सोफिस्टिकेशन ऑफ लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के अगले लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने देखना है परत दर परत वस्तु निर्माण के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीनें जो हैं वो मुख्य रूप से तेज़ी से प्रोटोटाइप प्लास्टिक भागों के लिए उपयोग की जाती हैं, यानी इंडस्ट्री में अगर हमें काफ़ी तेज़ी से प्रोटोटाइप प्लास्टिक भागों के लिए को बनाना है, प्लास्टिक प्रोटोटाइप मॉडल्स बनाना है, तो हम लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का प्रयोग करते हैं। इसको कम कीमत और तेज़ी से प्रोटोटाइप बनाने में आसानी होती है, भले ही उत्पादित वस्तुएं अंत उपयोग वाले हिस्से से दूर क्यों ना हो। इस एप्लीकेशन के अलावा लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है उतना सटीक मॉडल नहीं बनाता है जैसे कि लेजर सिंटरिंग लेजर जो है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग प्रोसेस से हम बनाते हैं, यहाँ तक कि स्टीरियोलिथोग्राफी जो है SLA प्रोसेस जो है जो तकनीक है वह जो है जटिल ज्यामिति को भी प्रिंट कर देता है। स्टीरियोलिथोग्राफी प्रोसेस से जो है हमारा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी जो है प्रिंट करना संभव होता है, लेकिन इसकी सस्ती प्रक्रिया और प्री फॉर्म निर्माण प्रक्रिया इसे एक अच्छी प्रोटोटाइप तकनीक बना रही है। आप देख सकते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेज़र है, लेज़र ऑप्टिकल स्कैनिंग मिरर है, लेवलिंग रोलर है, पाउडर बेड है, पार्ट बिल्ड चैम्बर है एंड पाउडर कार्ट्रिज है। द सिंटर स्टेशन 2500 सिस्टम प्रोसेसर चैम्बर है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले इनपुट STL फाइल, यानी जो हमारा ट्रांसफ़र फाइल होता है उसकी हम इनपुट मशीन को देते हैं। जैसे कि हम हमारा वर्ड का कुछ लिखा हुआ प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखा हुआ पार्ट जो है उसकी हम प्रिंटिंग के लिए प्रिंट कमांड देते हैं, और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा जो है हमारा प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल होने वाला है, और कौन सा जो है तो प्रिंटिंग के लिए कौन सा पेज हमने दिया है यह हम देखते हैं। तो हमने जो है यह किया है कि जो हमें प्रोसेस हमें करना है उस प्रोसेस के प्रोसेस में हम यह देखते हैं कि जो हमारा उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा ये बन जाता है तो उसमें हम यह देखते हैं कि एक लेयर ऑफ हीट फ्यूजिबल पाउडर इज डिपोजिटेड अक्रॉस द पार्ट बिल्ड चैम्बर, यानी जो हमारा पार्ट बिल्ड चैम्बर है उस पार्ट बिल्ड चैम्बर पर हम क्या करते हैं, एक जो है जो फ्यूजिबल पाउडर है जिसका हमें लेयर डिपोजिशन करना है, उस लेयर डिपोजिशन करने वाले पाउडर का एक लेयर जो है हम डिपोजिट कर देते हैं उस बिल्डिंग चैम्बर के, जिस चैम्बर के अंतर्गत हमारा जो ऑब्जेक्ट बनना है उस चैम्बर में। तीसरा स्टेप होता है कि एन इनिशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी एक शुरुआती जो क्रॉस सेक्शन है ऑब्जेक्ट का जो फैब्रिकेशन में चल रहा है अंडर फैब्रिकेशन इज सेलेक्टिवली ड्रान ऑन द लेयर ऑफ पाउडर बाई ए हीट जनरेटिंग CO2 लेजर। हम जो क्या करते हैं कि जो जिस ऑब्जेक्ट का फैब्रिकेशन होना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्टिवली जो है हम क्या करते हैं, जो पाउडर का लेयर है उस पर हम लाते हैं और उसको हीट देते हैं, जो कि जो हीट जो है CO2 लेजर के द्वारा उत्पन्न की जा रही है, प्रोड्यूस बाई CO2 लेजर। ओके, चौथे स्टेप में हम ये देखते हैं कि एन एडिशनल लेयर ऑफ पाउडर इज डिपोजिटेड भाया ए रोलर मैकेनिज्म ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियसली स्कैंड लेयर, यानी एक एडिशनल लेयर पाउडर का हम डिपोजिट करते हैं रोलर के माध्यम से
मैकेनिज्म ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस स्कैन लेयर, यानी जो इसका पहले वाला लेयर है उस लेयर में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है हम एक तरीके से हम एक एडिशनल पाउडर का लेयर बना देते हैं। पांचवा जो प्रोसेस होता है वो होता है द प्रोसेस इज रिपीटेड विथ ईच लेयर फ्यूजिंग टू द लेयर बिलो इट। यह प्रोसेस जो है रिपीट होते रहता है, कब तक रिपीट होते रहता है, जब तक कि जो है हमारा लेयर जितने थिकनेस का रिक्वायर्ड थिकनेस का जो हमारा प्रोडक्ट है वो जब तक ना बन जाए तब तक जो है हम ये प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है द प्रोसेस इज रिपीटेड विथ ईच लेयर फ्यूजिंग टू द लेयर बिलो इट। उसके बाद हम क्या करते हैं, सक्सेस लेयर ऑफ पाउडर आर डिपोजिटेड, यानी जो सक्सेस लेयर ऑफ पाउडर आर डिपोजिटेड एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अनटिल द पार्ट इज कम्प्लीट, यानी पार्ट जो है हमारा कम्प्लीट हो जाए तब तक जो है हम सक्सेस लेयर पाउडर को डिपोजिट करते रहते हैं, यानी नए नए लेयर्स का डिपोजिशन हम करते रहते हैं तब तक जब तक कि जो है हमारा जो है पार्ट कंप्लीट ना हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सातवां हमारा स्टेप होगा, वह सातवां स्टेप जो है द पार्ट इज रिमूव फ्रॉम द बिल्ड चैम्बर, यानी जो हमारा बिल्ड चैम्बर है वहाँ से हम क्या करते हैं पार्ट को रिमूव कर देते हैं, और जो है द लूज पाउडर इज रिमूव्ड एंड रीयूज, जो लूज पाउडर हमारा इस्तेमाल हुआ रहता है उसको इस्तेमाल हुआ रहता है जो बच जाता है उसको रीयूजिंग के लिए हम छोड़ देते हैं। तो हमारा जो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑब्जेक्ट तैयार करने की विधि है वो उसको हमने ये सात स्टेप में डिस्कस किया कि सबसे पहले हमने इनपुट फाइल लिया, फिर उसको जो है क्या किया मशीन में भेजा, फिर एक जो है फ्यूजिबल पाउडर को हीट करके एक लेयर का हमने उस पर बिल्ड चैम्बर में बिछाया, फिर जो है इनिशियल क्रॉस सेक्शन हमारे जो ऑब्जेक्ट का है उसको जो है हमने क्या किया सेलेक्ट करके उस लेयर पे डाला, फिर जो है पाउडर उसके वो लेयर पे डाल दिया और हीट कहाँ से दिया तो CO2 लेजर से दे दिया, फिर उसके ऊपर एक हमने परत बिछाया और जो है ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि जो एक परत जब हार्ड हो जाए तो उसके ऊपर हमने दूसरा परत डाल दिया, तीसरा परत डाल दिया, जब तक कि हमारा रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्ट साइज नहीं है वो पूरा ना हो जाए तब तक हम यह कार्य करते रहते हैं। ठीक है, फिर जो है हमने क्या किया कि सक्सेस ऑफ लेयर पाउडर आर डिपोजिशन इन द प्रोसेस इज रिपीटेड अनटिल द पार्ट इज कम्प्लीट, पार्ट कम्प्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो लाभ और हानियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लाभ की बात करेंगे। तो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी LOM के द्वारा बड़े आकार के मॉडल का उत्पादन कर सकते हैं। यह प्रोसेस में उस बड़े आकार के मॉडल का उत्पादन करने की क्षमता है। इसमें बहुत सस्ती कागज या प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बहुत सस्ती कागज का या प्लास्टिक का उपयोग हम करते हैं। इसमें जो है तेज़ी से और सही वस्तु हैंडलिंग सामर्थ्य, यानी सही वस्तु हैंडलिंग सामर्थ्य जो है इसमें होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, ये पर्यावरण के अनुकूल होता है यानी एनवायरनमेंट के एडेप्टिव होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। LOM से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। दूसरा है कि डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें जो है बहुत श्रम की आवश्यकता होती है, यानी वी रिक्वायर्ड द ह्यूमन मोर ह्यूमन लेबर, बहुत सारे जो ह्यूमन लेबर की और आवश्यकता होती है, आग का खतरा हो सकता है क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज पेपर ऑल्सो, तो इसमें जो है आग का खतरा हो सकता है। खत्म और सटीकता और कागज वस्तुओं की स्थिरता अन्य रैपिड प्रोटोटाइपिंग विधियों के साथ इस्तेमाल पदार्थ के रूप में अच्छा नहीं है, यानी जो कागज़ की वस्तुओं की स्थिरता है वो उतना अच्छा नहीं है।
निवेश कास्टिंग पैटर्न, यानी हमें जो प्रोडक्ट का बनाना है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, और धारणा का सत्यापन करना होता है, सिलिकॉन रबर इंजेक्शन टूल्स के लिए मास्टर्स चाहिए, फिट जांच करना पड़ेगा हमें, और प्रत्यक्ष उपयोग डायरेक्ट इसका उपयोग करना पड़ता है। तो ये सारे जो है हमने लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैनुफैक्चरिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे। अब हम अगला विधि जो है हमारे 3D प्रिंटिंग का, वो है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चयनात्मक लेजर सिंटरिंग, SLS। तो ये अगली विधि को हम डिस्कस करते हैं कि SLS है क्या। तो स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें कि जो है उत्पाद विकास के समय को छोटा करने के लिए जो है लास्ट 10-15 ईयर से एडिटिव विनिर्माण प्रक्रियाओं को विकसित किया गया है। एडिटिव विनिर्माण प्रक्रियाओं को विकसित करने का जो है मेन मकसद ही यही है कि जो है विनिर्माण प्रक्रियाओं को जो है हम विकसित करते हैं, और तभी तकनीकी पारंपरिक निर्माण प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले सांचों या औजारों का उपयोग किए बिना कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी उत्पादन करने वाली परत परत तकनीक का उपयोग करके सीधे 3D फैक्टर्स बनाने के सिद्धांत पर आधारित है। यानी विशेष रूप से जो है धातु प्रोटोटाइप तकनीक यानी मेटल प्रोटोटाइप तकनीक जो है, और SLS यानी सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, इंक जेट 3D प्रिंटिंग यानी 3DP, 3D प्रिंटिंग 3DP जिसको हम कहते हैं, तकनीक चयनात्मक लेजर द्वारा पिघलने यानी सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग आदि के लिए विभिन्न प्रकार की परत निर्माण तकनीक उपलब्ध है। यानी इन सभी प्रोसेस के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण तकनीक जो है वो उपलब्ध है। और हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा लेजर सिंटरिंग है, लेजर सिंटरिंग का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो लेजर सिंटरिंग का अर्थ है कि वे विधियाँ जो ठोस चूर्ण की परत दर परत द्वारा ठोस पदार्थों के निर्माण में मदद करती हैं। यानी ठोस पदार्थों के निर्माण में हम जो चूर्ण है उसको यूज करके परत दर परत अगर उसको हम बिछाते हैं तो यह मदद करती हैं। यानी लेजर सिंटरिंग प्रक्रिया की विशेषता यह है कि यह तीव्र सिंटरिंग और तीव्र ठोसकरण करती है। भविष्य में जो SLS तकनीक द्वारा धातु के घटकों के तेजी से निर्माण की बड़ी क्षमता है। इसका उपयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के उत्पादन अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। यानी SLS जो मशीन है, जैसे डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, डायरेक्ट मेजर लेटर सिंटरिंग DMLS जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और एकल घटक धातु पाउडर यानी सिंगल कंपोनेंट मेटल पाउडर की हम बात करते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। अब पाउडर का उत्पादन सामान्यतः जो है बॉल मिलिंग तकनीक यानी बॉल मिलिंग टेक्निक के द्वारा करते हैं, और अन्य तरीकों से किया जाता है, जैसे द्रवित बेड ब्लेड ब्रश आदि इत्यादि से हम करते हैं। अब जो सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग है, SLS प्रक्रिया है, यह मूल रूप से जो है टेक्सास विश्वविद्यालय में ऑस्टिन में विकसित की गई थी, और फिर DTM कॉरपोरेशन US द्वारा इसका वैसीकरण हुआ था। यानी जो है हम इसका इस्तेमाल जो है क्या किए कैसे किए इस्तेमाल हम इसका इस्तेमाल जो है सबसे पहले इसे जो है डेवलप किया उसने टेक्सास विश्वविद्यालय ने, और इसे ऑस्टिन में डिस्कस डेवलप किया गया ऑस्टिन में, और फिर DTM कॉरपोरेशन US द्वारा इसका कमर्शलाइजेशन किया गया।
अवर सेलेस प्रणाली का योजनाबद्ध आरेख जो है 6.21 में दिखाया गया है। एक ठोस स्रोत में फ्यूज पाउडर पदार्थ के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में एक लेजर बीम का उपयोग होता है। यानी ये डायग्राम आप पहले देखिए, इस डायग्राम में जो है हम क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले ऊपर स्कैनर सिस्टम लगा हुआ है। स्कैनर सिस्टम का क्या काम है? स्कैनर सिस्टम का काम यह है कि जो हमारा वर्क हो रहा है उसे स्कैन करके उसकी निगरानी करे, उसकी ट्रेसिंग करे, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं लेजर लगा हुआ है जो हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल में आ रहा है उसके लाइट से। पाउडर डिलीवरी सिस्टम, रोलर है, फैब्रिकेशन पाउडर बेड है। जिस ऑब्जेक्ट को फैब्रिकेट किया जाना है वो ऑब्जेक्ट का शेप दिख रहा है। एक फैब्रिकेशन पिस्टन भी है। पाउडर डिलीवरी पोजीशन भी उस डायग्राम में दिख रही है। दो डायग्राम इसमें दिखाया गया है, एक तो जो है लेजर सिंटरिंग प्रोसेस दिखाया गया है जिसमें हम ओपन डायग्राम देख रहे हैं, काट क्रॉस सेक्शन डायग्राम देख रहे हैं। दूसरा डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है पाउडर बेड के अंदर है, रोलर ऊपर से दिखाई दे रहा है, पाउडर डिलीवरी सिस्टम भी हमें दिख रहा है। तो लेजर सिंटरिंग तकनीकों प्रक्रियाओं में डिज़ाइनर जो होता है, डिज़ाइनर एक हिस्से को डिज़ाइन करता है और अगले भाग को आवश्यक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके क्षैतिज तल पर काटा जाता है। उत्पादन मशीन में एक कक्ष पाउडर से भरा होता है, यानी जो हमारा प्रोडक्शन मशीन है उसमें एक जो चैम्बर है वो पाउडर से भरा होता है। जैसे कि आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हैं कि लेफ्ट जो डायग्राम है वो दिख रहा है कि वो उसमें पूरा पाउडर भरा हुआ है। एक लेजर पाउडर जो है वो ऊपर चलता है और इसे ठोस बनाता है और पदार्थ की एक पतली परत का निर्माण करता है। परत के बाद परत नीचे से ऊपर तक बनाई जाती है, यानी लेयर बाय लेयर जो है वो परत जो है वो नीचे से बनाई जाती है। जब तक कि भाग समाप्त नहीं हो जाता, बचे हुए पाउडर फिर से उपयोग करने योग्य होता है, इससे कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है। अब जो है नेक्स्ट जो है शब्द SLS का उपयोग कई बार लेजर बनाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, यानी जो ले सिंटरिंग जो है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग प्रोसेस है उनका उपयोग कई बार जो है लेजर बनाने वाले प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दो ठोस करण तरीके यानी सॉलिडिफिकेशन मेथड के बीच अंतर का जो कारण होता है वो होता है SLS कुछ समय के लिए SLM से अलग होता है, यानी सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग जो है वो सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग से वो कुछ टाइम के लिए अलग हो जाता है। क्योंकि इससे संबंधित तंत्र तरल पदार्थ को तरल चरण में पूरी तरह से पिघलने से संबंधित है, जबकि लेजर सिंटरिंग कणों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए केवल पाउडर कणों की सतह द्रवीकरण से संबंधित है। यानी लेजर सिंटरिंग और लेजर मेल्टिंग का उपयोग कभी कभी पारंपरिक रूप से भी किया जाता है, यानी ट्रेडिशनल रूप से भी जो है हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि चित्र संख्या 6.22 में हम देखें कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर वेटिंग किया, फिर कोलेसेंस, फिर फाइनल स्टेज। तो हम जो है इसमें जो पाउडर
उस प्रक्रिया को हम इंगित करते हैं जो पाउडर पर होने वाली है। प्रारंभिक अवस्था में जहाँ चूनों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया गया है और लेजर गतिविधियों के माध्यम से पाउडर को गीला करना प्रारंभ किया जाता है, फिर एक भाग बनाने के लिए मिश्रण बनाना और अंत में बंधन बनाना होता है। मिश्रण बना के उसको हम बॉन्ड कर देते हैं, बांध देते हैं। SLS यानी सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग अनिवार्य रूप से एक ही चीज़ है, और SLS का उपयोग प्रक्रिया के को संदर्भित करने के लिए किया जाता है क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे प्लास्टिक, कांच, सिरेमिक के लिए भी होता है, जबकि जो हमारा DMLS प्रक्रिया का उल्लेख जो है धातु के मिश्र धातुओं पर लागू होता है यानी अलॉयज पे ही लागू होता है। पहला डायग्राम देखिए आप, लेजर रेडिएशन स्टैंडर्ड मटेरियल सेल पाउडर लेयर जो है और सिंटर्ड लेयर। तो पाउडर लेयर ऊपर है, सिंटर्ड लेयर नीचे है। डिपोजिशन करके वह किस तरीके से बन रहा है आप देखिए, स्टेज वन से स्टेज फोर तक कैसे वो बन रहा है। मॉडल ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल सेल यानी स्टैंडर्ड मटेरियल सेल, इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को हम ट्रेस करते हुए नया जो है मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है लेजर सिंटरिंग पार्ट्स के उत्पादन के लिए निम्नलिखित मशीनिंग विधियां अपनाई जाती हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं, तो पहला लेजर सिंटरिंग, दूसरा जो है हैच पैटर्न, तीसरा जो है पोस्ट प्रोसेसिंग, चौथा जो है पदार्थ के प्रकार और पांचवा पार्ट्स फैब्रिकेटिंग। यानी इन सब जो है प्रोसेस में हम जो है इसको अपनाते हैं। लेजर सिंटरिंग जो होता है वो ये निम्नलिखित मशीनिंग विधियों के लिए अपनाया जाता है। पहला लेजर सिंटरिंग, दूसरा हैच पैटर्न, तीसरा पोस्ट प्रोसेसिंग, चौथा पदार्थ प्रकार, पांचवा और इसके पार्ट्स के उत्पादन उपरोक्त विधियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को निर्भर करता है। यानी उपरोक्त विधियों का उल्लेख निम्नलिखित अनुभाग में सूचीबद्ध है। पहला है प्री प्रोसेसिंग, यानी प्री प्रोसेसिंग में जो है हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेसिंग में चूर्ण का निक्षेपण और सिंटरिंग का तंत्र पूरी तरह से कुछ कारकों पर निर्भर है, जैसे पाउडर का घनत्व, आकार और माप, प्रवाह दर। यानी पूर्व प्रसंस्करण प्री प्रोसेसिंग जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं कि चून जो पाउडर हमें है उसका हम निक्षेपण करते हैं और सिंटरिंग तंत्र जो है पूरी तरह से कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि पाउडर का घनत्व, आकार और माप, प्रवाह दर। अब पाउडर धातु जो है परतों के बेहतर सिंटरिंग के लिए घनत्व में वृद्धि होनी चाहिए। साधारण कण उच्च घनत्व उप
उपयुक्त का और उपयुक्त रचना की क्षेत्रपूर्ण परतें बनता है बनाते हैं। और SLS प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले बिफोर द इनिशिएशन ऑफ सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग जो है हम क्या करते हैं, जो है कण को कण आकार और सतह को सही किया जाता है, यानी उचित प्रक्रिया मापदंडों अर्थात लेजर और स्कैन पर्यावरणीय मापदंडों का चयन करके पाउडर सिंटरिंग क्षमता में सुधार किया जाता है। तो किस तरह से सुधार किया जाता है ये हम देखें, तो कंपोजिशन यानी मोड यानी स्कैन स्पीड, इन्वायरमेंट जो है प्री हीटिंग होना चाहिए, फिर है जो है पावर डेंसिटी, लेजर जो है वो वेवलेंथ, हैचिंग स्पेस, प्रेशर, मटेरियल लेयर मॉर्फोलॉजी, पावर, लेयर थिकनेस, गैस टाइप, डायमीटर ऑफ ग्रेन, फ्रीक्वेंसी, स्कैन स्ट्रेटजी, ऑटो लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्केल सेक्टर। अब इसमें हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि हैच पैटर्न क्या होता है यह देखें। तो डायग्राम हम देख सकते हैं ABCD, इसमें हैचिंग लाइंस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हैच पैटर्न क्या होता है। लेजर सिंटरिंग विधि के लिए एक पथ का चयन किया जाता है, यानी हैच पैटर्न के चयन में परत की आवश्यकता अनुसार मोटाई से भाग की परत का निर्माण निहित है, यानी डायरेक्ट मेल्टिंग जो है लेजर SEO मशीन में हैच पैटर्न का डिफ़ॉल्ट मोड परतों को स्कैन करने की दिशा को 67 डिग्री में घुमाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हैच पैटर्न के चयन के लिए 4 विकल्प हैं और वे XY के साथ हैं, यानी चित्र संख्या A में X अक्ष के साथ की गई स्कैनिंग को दिखाता है, चित्र संख्या B में Y के साथ किया गया स्कैनिंग दिखाता है, चित्र संख्या यदि X और Y दोनों विकल्पों का चयन किया जाता है तो यह परत पर दोहरा एक्सपोजर होगा और एक बार X और एक बार Y, जैसा कि चित्र C और D में दिखाया गया है, बारी बारी से परतों की परत स्कैनिंग दिशा बदल जाती है। तो ये तो हो गया हैच पैटर्न कैसे हम डायरेक्शन चेंज करके एंगल चेंज करके हम दर्शाते हैं। दूसरा है कि विभिन्न जो है हमारे हैच पैटर्न हमने देख लिया कि कैसे हम एंगल को देख के घुमाते हैं और किस तरीके से जो है हम जो है विकल्पों का चयन करते हैं। XY दिशा में बारी बारी से परतों की परत के लिए स्कैनिंग दिशा को बदलते हैं कि परत की जो स्कैनिंग में सही तरीके से हो जाए और उसमें कोई गड़बड़ी ना आए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है पोस्ट प्रोसेसिंग। पहले हमने प्री प्रोसेसिंग किया, अब हमने क्या पोस्ट प्रोसेसिंग यानी हाइब्रिड डायरेक्ट लेजर फैब्रिकेशन HDLF। तो DLF यानी डायरेक्ट लेजर फैब्रिकेशन, LENS और DMB जैसे कुछ प्रत्यक्ष लेजर निर्माण प्रक्रियाओं का उद्देश्य प्रत्येक परत में पूरे घनत्व के लिए पाउडर को फ्यूज करना है और SLS सैद्धांतिक घनत्व के लिए 92% से अधिक एक भाग घनत्व के साथ जटिल आकार के धातु के घटकों को उत्पादन कर सकता है, यानी SLS जो है वो प्रिंसिपल डेंसिटी 92% से अधिक एक भाग घनत्व के साथ जो है वो जटिल जो है हमारा आधार है जटिल आकार के धातु के घटकों का उत्पादन कर सकता है। यह वो अभिनात्मक घनत्व है जिस पर पोरोसिटी सामान्यतः परस्पर जुड़ी या बंद सतह से होती है। प्रत्येक परत क्रॉस सेक्शन के अंदरूनी हिस्से से पाउडर वैकल्पिक रूप से एक मध्यवर्ती घनत्व के लिए लेजर को सिंटर किया जा सकता है, जो सामान्यतः जो है हमारा सैद्धांतिक घनत्व के 80% से अधिक होता है और सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग द्वारा निर्मित शुद्ध आकार का हिस्सा सीधे बिना कंटेनर गर्म किए आइसोस्टेटिक प्रेसिंग HIP द्वारा पूरा घनत्व प्राप्त करते हैं।
इसी के लिए इसे पोस्ट प्रोसेस किया जाता है, यानी SLS ऑब्लिक SHIP एक यौगिक प्रत्यक्ष लेजर निर्माण विधि है जो दोनों प्रक्रियाओं के सामर्थ्य को जोड़ती है, यानी इसमें दोनों प्रक्रियाएं जो है हमारी उससे दोनों प्रक्रियाओं के जो स्ट्रेंथ है उसको जोड़ती है। ऑब्वियसली की बात है कि जब दो प्रोसेस की स्ट्रेंथ को हम जोड़ देंगे तो प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये टेबल हमने देखा कि जो SLS मशीन है वो किस तरीके से रहती हैं, उनका क्या स्पेसिफिकेशन है। तो टेक्निकल डेटा देखिए आप, बिल्डिंग वॉल्यूम इंक्लूडिंग विडलिंग प्लेटफॉर्म, यो सिंट M270 जो मशीन है उसका 215x215x215। सिंटर स्टेशन जो है वो W381x D330x H457mm, ये उसका सिंटर स्टेशन का डायमेंशन है। फिर वैन गार्ड यानी W335.6x D304x H431.8mm। फिर सिंटर स्टेशन 250+380x330x450mm। लेजर टाइप की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस वेव एंड लैगन 50 वाट CO2 लेजर, 25 to 100 वाट CO2, 50 to 100 वाट CO2। स्कैन स्पीड जो होता है अप टू 7.0 मिली पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अप टू 10 मीटर पर सेकेंड, अप टू 10 मीटर पर सेकेंड स्कैन स्पीड, अप टू 5 मीटर पर सेकेंड। जो पावर सप्लाई है वह पावर सप्लाई क्या है, 32 एम्पियर 5.5 किलोवाट, 240 AC 112.5 kV 50 to 60 हर्ट्ज, 3 फेज 380 वोल्ट AC 125 kV 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज और 3 फेज। तो 240 वोल्ट AC 12.5 kV 50 to 60 हर्ट्ज 3rd फेज, 250 वोल्ट अल्टरनेटिंग करेंट 12.5 kV हाई वोल्टेज 15 to 60 हर्ट्ज 3 फेज। अब मटेरियल जो है हमारा क्या होगा, US मैनेज मार्जिन स्टील ALSI 10 mg, US स्टेनलेस स्टील 74, US कोवाल्ट क्रोम टिटेनियम T64 TI64। लेजर फॉर्म जो है वो A6, लेजर फॉर्म ST200, लेजर फॉर्म ST100, लेजर फॉर्म स्टेनलेस स्टील। तो ये जो अलग अलग टाइप की जो हमारी मशीनें हैं, अलग अलग मॉडल की मशीनें हैं, उसमें जो है ये 5 फैक्टर कैसे कार्य करेगा उसे हमने दर्शाया है। अब हाई डायरेक्ट लेजर LF जो है वो प्रोसेस की जो है अनुप्रयोग को उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण हम देख रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील में जो है छलनी GPI सी बिन स्टेनलेस स्टील, मार्जिन स्टील में उपकरण कोर MSI टूर कोर मेन मार्जिन स्टील, कोबाल्ट क्रोम में घुटने का प्रत्यारोपण MPI क्रीम प्लांटेशन कोबाल्ट क्रोम MPI, टाइटेनियम में एमरल्ड माउंट जो है TI64 मॉडल है उसको बताया गया है, हिनरोन माउंट इन टिटेनियम T64। तो नेक्स्ट सब एक्सेसरीज में हम देखेंगे कि लेजर सिंटरिंग ऑपरेशन में कौन कौन से जो है पदार्थ प्रयुक्त होते हैं, व्हाट आर द मटेरियल व्हिच इज गोइंग टू बी यूज्ड इन लेजर सिंटरिंग मशीन, लेजर सिंटरिंग ऑपरेशन और है नेक्स्ट जो है हम देखेंगे।